हेलो एंड वेलकम गाइस, ये है टाइम पास वो और हम लोग खेल रहे थे स्टेलारिस। सो तुम लोग जैसे कि देख सकते हो हमारा एम्पायर अब इतना बड़ा हो गया है और मैं सोच रहा था कि चोहर सिस्टम को हम लोग अंडर ले लेंगे। सो हम हमारे एम्पायर की बाउंड्री एक डिसाइड कर सकते हैं उससे। सो एंड में यहाँ पे, सो यहाँ पे हम लोग इश्विक को अपनी बाउंड्री पॉइंट बनाएंगे और चोहर को यहाँ पे बनाएंगे। सो हमारा एम्पायर इतना रहेगा। और जैसे कि हमारे पास अलॉयस कम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी तक यहाँ पे हम लोग अपनी एम्पायर की बाउंड्री सेट करेंगे और जैसे जैसे हमारे अलॉयस बढ़ते हैं हम लोग बाउंड्री बढ़ा भी सकते हैं। और अलॉयस हम लोग को ज़्यादा जनरेट करने पड़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बस प्लस 11 है और हम लोग को हर एक स्टार बेस जो भी आउटपोस्ट है उसको बनाने के लिए बहुत से लगते हैं। सो अभी तो हमारे पास इशू आ गया है और हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5 चोहर भी लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो अभी तक इन लोगों ने चोहर लिया नहीं है और मैं सच में लेना चाहता हूँ। सो मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा। अगर हमारे पास स्टार बेस बनाने के लिए अलॉयज है, सो हमारे पास अलॉयज है, सो ओके कम क्या हमारे पास कुछ नहीं है ना कम, ठीक है। स्टार बेस बनाने के लिए ओके इन्फ्लुएंस पॉइंट्स कम है हमारे पास। सो मेरे हिसाब से 210 इन्फ्लुएंस पॉइंट्स रखते हैं। सो वो हम लोग को जनरेट करने पड़ेंगे। बाकी ये साइड में तो कोई इशू नहीं है। अगर हो सकता हम लोग ये वाला सिस्टम को भी अपने अंडर ले लेंगे। सो अभी तो हमें सिर्फ तीन एम्पायर्स ही मिले हैं जो कि नेबर है हमारे, पर हम लोगों को एक्सपांशनिस्ट टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा नेशन अभी बहुत ही छोटा है। सो इसलिए मैं एक्सपांशन सोच रहा था, पर जैसे हमारे पास अलॉयज नहीं है ज़्यादा सो हम लोगों को लिमिटेड एक्सपांशन करना पड़ेगा। सो आर्कडार्ट का कंस्ट्रक्शन शिप ओके। सो स्टार बेस कंस्ट्रक्शन हो गया है ये ओके नाइस। सो हम लोग कुछ मॉड्यूल्स लगाने हैं। सो मैं सोच रहा था जैसे कि ये सिस्टम कहाँ पे है ओके, ये मेन एम्पायर कैपिटल से ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर देखो अब ये जो एरिया है चोहर आर्कडार्ड पिथेरिया और हाइकन, ये जो सिस्टम्स है उनका ट्रेड हब मैं सोच रहा हूँ ट्रेड पॉइंट जो रहेगा मेन ट्रेड पॉइंट वो आर्कडार्ड में बनाएंगे क्योंकि ये इस साइड का हैंडल करेगा। दूसरा सिंस ये एक एम्पायर के पास है और आई गेस ये एम्पायर ओके ज़ेनोफोब है। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक शिपयार्ड भी बना देते हैं या अगर कभी फ्यूचर में लड़ाई करनी पड़ेगी सो हमारे पास शिपयार्ड रेडी होना चाहिए जो बाउंड्री के पास है। और बिल्डिंग्स में बिल्डिंग सोच रहा हूँ अभी तो हमें रिसोर्स साइलोस की ज़रूरत नहीं है। डिसरप्शन फील्ड जनरेटर, सो डिसरप्शन फील्ड जनरेटर शील्ड हिट पॉइंट्स कम कर देगा ऑफेंसिव शिप्स के। और कम्युनिकेशन जैमर, सो मैं सोच रहा हूँ टारगेट अपलिंक कंप्यूटर लगाएंगे सो वो करेगा ये शिप वेपन्स रेंज प्लस 50% कर देगा। सो हमें पास जाके उनको शिप्स को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, हम दूर से भी कर सकते हैं। सो मैं सोच रहा हूँ टारगेट अपलिंक कंप्यूटर। दूसरी बात, हमारे पास अलॉयज सच में बहुत कम है। अब हम लोग चोर सिस्टम में बना सकेंगे कि नहीं पता नहीं, पर एक बार मार्केट में देख लेते हैं अगर अलॉयज हम लोग खरीद सकते तो। सो ओके बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सो पॉइंट नहीं अभी लेने के। सो गेम कंटिन्यू करते हैं, आई गेस जमा हो जाएंगे इतने कि हम लोग बना सकते हैं। हम लोगों को 90 चाहिए सो अभी 86 ही चाहिए हम लोगों को, 4 है हमारे पास। बाकी हमारा कंस्ट्रक्शन शिप पहुंच गया है और तुम लोग जैसे देख सकते हो एनिमी एम्पायर भी उस सिस्टम को सर्वे कर रहा है जो कि एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि वो लोग भी वो सिस्टम ये अपने एम्पायर के अंडर लेना चाहते हो। सो हमें अलॉयज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी
और सिंस हमारे पास एनर्जी रेट्स इतने नहीं है कि हम लोग अलॉयस खरीद सकते, सो देखते क्या होता है। बाकी हमें हमारे सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको माइन करना शुरू कर देना चाहिए। सो जैसे कि इस पिथेरिया भी हमारा अंडर है, सो कहाँ पे गया ये रहा। सो मैं सोच रहा हूँ पिथेरिया को हम लोग माइन करना शुरू कर देंगे। ओके माइन सही। सो एनर्जी रेट्स तुम जैसे देख सकते हो प्लस 1 पी है अभी भी, हम इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ओके सिचुएशन लॉग देख लेते क्या है। यस फ्रॉम गेटवे ओके आर्कियोलॉजी वाला है बिकॉज फाइनल क्रूसिबल के सच मिल कहाँ पे ये रहा। ओके एडमिरल गेन स्ट्रेट ओके फ्रॉम फॉलिंग इज रीसेंट सेंसर स्वीप ऑन द डोर सिस्टम एडमिरल गॉटरिक डैन इंदार हैज लर्न्ड हाउ टू डिप्लॉय हिज यूनिट्स टू मैक्सिमाइज द सेंसर। ओके सेंसर रेज वाली शायद से ट्रेट मिले उसको, देख लेते कौन सी है। ओके उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे पॉपअप नहीं हुई। मैंटिलियन एंड इंडिपेंडेंट ऑन्टर लैंड कहाँ पे सो उनकी फ्लीट पावर हमसे सुपीरियर है पर बाकी सब चीज़ें इक्विवेलेंट है। आई गेस हमारा जो टास्क फोर्स है वो कल्टिस्ट को मारने जा रहा है। ओके 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 हमें बस थोड़ी सी चाहिए और हम लोग शुरू कर देंगे। आई गेस बना लेंगे हम लोग क्योंकि हम लोग को बस 20 चाहिए। ओके कल्टिस्ट मैरियोज इनकाउंटर ठीक है। Battle stations, yet another cultist fleet loyal to final crucible has been sighted in the mail system. This time, however, the numbers include a strange ship of unfamiliar design. Okay. कहाँ पे? I hope उनकी power ज़्यादा ना हो. We have encountered some form of alien vessels in Tiankovec system. These strange objects have been flagged as out aliens until we learn. Okay. Cresting. Okay, उनकी power आई गेस इतनी नहीं है. ओके है पर हमसे कम है सो हम मोस्टली जीत जाएंगे। ओके सो स्टार्टिंग मतलब गेम स्टार्टिंग में जो पीरियड होता है उसमें फ्लीट्स की पावर बहुत ही कम होती है। तुम जैसे देख सकते हो अभी 300 है जबकि एंड गेम तक तुम्हारे एक एक फ्लीट ऑलमोस्ट 80 के तक जाती है मतलब 80,000। सो अभी तो 3 ही फ्लीट है और वो तीनों की पावर मिला के 383 है हेलो बहुत ही कम है। सो तुम लोग जैसे देख सकते हो फाइनल क्रूसिबल की लगी हुई है। ओके अच्छा शिप है अलग स्टाइल का और बहुत बड़ा है। है क्या ये मदरशिप बैटलशिप? ओहो बैटलशिप कहाँ से मिलेंगे वो? ओके सो हम लोग ने हरा दिया। सो वी हैव डिफीटेड द कल्टिस्ट शिप्स एनकाउंटर्ड सो फार बट दीज एंगेजमेंट्स हैव रेज्ड नंबर ऑफ अलार्मिंग क्वेश्चंस। फाइनल क्रूसिबल हैव बीन डिप्लॉइंग फार मोर शिप्स देन दे कुड पॉसिबली हैव बिल्ट इन सीक्रेसी ऑन ऑथेरिया एंड नाउ दे हैव पिटेड अ लार्ज वॉरशिप ऑफ अननोन डिजाइन अगेंस्ट अस। वेयर आर दीज शिप्स कमिंग फ्रॉम? आर देयर मोर वॉरशिप्स लाइक दिस वन वी जस्ट डिस्ट्रॉयड? ओके एनेबल्स अ स्पेशल प्रोजेक्ट इन मिल सिस्टम। हो सकता है हम लोग को ये शिप मिल भी जाए पर जिस तरीके से इसकी हालत ख़राब है मुझे नहीं लगता। आई गेस हमारे पास है सो मैं शुरू कर दूंगा स्टारबेस बनाना। नाइस गाइस मुझे लगा नहीं था ये बनेगा पर ये बन रहा है। ओके कॉम्बैट स्टेटस हमारा कोई भी शिप डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और उनके सारे हो गए। तो ये था हमारा छोटा सा बैटल। मैं सोच रहा हूँ इन लोगों को रिकवर करने के लिए भेज देंगे आई गेस। हाँ सो बैटल से होता ये है कि एडमिरल्स की जो स्किल होती है स्किल लेवल वो बढ़ जाती है उन लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है। सो कभी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स डालो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिरल्स डालो बैटल में। आई गेस साइंस शिप भेजना पड़ेगा हम लोगों को
पर ये तो काम कर रहा है, सो मैं सोच रहा हूँ इसको भेज दूँगा। ये साइनशिप लगेगा यहाँ पे। ओके सो एंड मार्स सिस्टम हम लोगों ने सर्वे कंप्लीट कर दिया। कहाँ पे? ओके यहाँ पे है। और 10 उनके पास मिनरल्स मिल रहे हैं और 4 के हम लोग ज़रूरत है इसकी। ओके 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 यस, इसका जैसे ही काम हो जाएगा हम लोग माइनिंग शुरू कर देंगे। ओके नाइस, हमें माइनिंग स्टेशंस बनाने हैं और हमारे पास उतने मिनरल्स हैं। सही। ओके 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 हो गया नाइस। सो मोस्टली मेरे हिसाब से ये ज़िनोफोब है। हाँ ज़िनोफोब है। ओके सो एक ज़िनोफोब है, एक ज़िनोफाइल है जो कि अच्छी बात है, और एक है फैनेटिक ज़िनोफोब। सो ओके नाइस, फुल्ली एक्सक्यूवेटिंग। सो रिजल्ट क्या है? Translucent plates covering the walls of the mysterious chamber found on Mulgrima made little sense until one team member reached out and gently touched one. The room exploded in a light as holographic glyphs appeared out of nowhere, row after row of glowing symbols hovering in midair. The symbols were deftly translated and purpose of the plates in the chamber became clear. They contain detailed blueprints of an alien construction that would open the gateway. Sai. So I guess hum log gateway mein access kar sakte shayad. Minor artifact gained. Engineering research. Okay. Sai. Okay, so hum log access kar sakte hain. I guess okay, situation log. Okay guys, देखना पड़ेगा इससे क्या हुआ क्या हमारे पास। थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अभी हम लोग को इस पर कंटिन्यू करना है क्योंकि यहाँ पे पहुँचा नहीं हो। ये इसे चोर सिस्टम बन गया है आई गेस। माइनिंग स्टेशन के लिए हम लोगों ने ठीक है ओपनिंग। ओके रीसेंट आर्कोलॉजिकल अनकवरिंग्स हैव रिवील्ड अ वे टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्ट दैट कैन ब्रीफली ओपन द मिस्टीरियस गेटवे एंड अलाउ टू साइनशिप टू पास थ्रू। Warning, this is a high risk mission. There is no guarantee that either scientist or science ship will return from such a perilous journey. Prepare accordingly. Okay. So guys, excavation के बाद हम लोगों को एक नया quest मिला है जिसमें हमें इस gateway के through जाना है। I guess scientist is present. Okay. एक science ship लगेगा वहाँ पे और ये रहा science ship। शायद ऐसे लोग उसको स्टार्ट करेंगे गेटवे को और मिशन स्टार्ट हुआ। सो उन लोगों को करने देते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि एंजमार को ले लेंगे हम लोग क्योंकि हमारे पास अलॉयज है उतने। सो ये रहा हमारा नाइस रिसर्च एग्रीमेंट इन्वेंटर टोरंटो अलायंस फॉर्म रिसर्च एग्रीमेंट। ओके हमारे दोनों एनवॉयस हैं और तुम लोग ऐसे ही देख सकते हो उनकी टेक्नोलॉजी लेवल सेम है हमसे। ओके ठीक है, फायदा होगा फिर भी। सो रिसर्च अलायंस फॉर्म्ड। आई गेस एक और एलियन एम्पायर ने हमसे रिसर्च अलायंस बनाने के लिए पैक दिया है। ओके सो रिसर्च पहले देख लेते कौन से डिपार्टमेंट में कौन से डालनी है। सो सोसाइटी में मैं सोच रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सो 5% ग्रोथ स्पीड नेवल। ओके
ये अच्छी है पर इसके लिए टाइम बहुत लगेगा, और मैं सोच रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी यूज़ कर लेते क्योंकि हमारे पास बस 3 बाकी है, और आई गेस ये सिस्टम बनाने के बाद और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ज़्यादा लगेगी। कमर्शियल बैंक सही, ओके नाइस नाइस नाइस। सो कमर्शियल बैंक से होगा ये कि हम लोग कुछ चीज़ें गेन करेंगे एनर्जी क्रेडिट्स में। सो आई गेस यहाँ पे दिखेगा वो पॉस पे रखा मैंने, अ स्मॉल सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट विद प्रोनाउंस्ड गैसियस एंड पार्टिकुलर टेल्स वॉज रिसेंटली ऑब्जर्वड इन द ऑथर सिस्टम। सही कहाँ पे ऑथर रिसर्च कंप्लीट, वेट रिसर्च कंप्लीट, ऑर्बिटल स्पीड प्लस 25%। सही सही सही। गाइस अभी हम लोग शिप को बेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ मिनरल्स प्लस 5 फ्रॉम पावर्ड एग्जोस्केलेटन्स कर सकते हैं हम लोग, या फिर आफ्टर बर्नर्स। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, मैं एग्जोस्केलेटन्स के साथ जाऊँगा। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसका के पिथेरिया पे हम लोग माइनिंग शुरू कर रहे हैं, आई मीन हो गया है, और ऑथर पे भी वो कर रहा है। आई गेस हम लोग को स्ट्रैटल को अपने अंडर ले लेना चाहिए अभी, मतलब कोई जल्दी आए नहीं क्योंकि हमारा अंडर ही आएगा क्योंकि कोई एक्सेस कर नहीं सकता उसको। डेल्टा पेबोनिस या फिर एंसमार, एंसमार मैं सोच रहा हूँ। ओके हमारे पास उतने इन्फ्लुएंस पॉइंट नहीं है, सो एंसमार्स तो नहीं ले सकते हम लोग। सो अभी तो मैं माइनिंग स्टेशन ही बनाऊँगा। ओके माइनिंग स्टेशन नहीं बना सकती हमारे पास वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ रिसर्च स्टेशन बना देते हैं। 2 बनेंगे और 3 सोसाइटी और 3 इंजीनियरिंग रिसर्च पॉइंट्स मिलेंगे। टेस्ट्रा मेरे को करना है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ग्रेड्स मिल रहे हैं। ओके मेरा कंस्ट्रक्शन शिप, और ओके टेस्ट्रा को बनाने के लिए हम लोग पहले एंडर लेना पड़ेगा। ओके ओके तुम जैसे देख सकते हो सब लोग अपने अपने एम्पायर को एक्सपांड कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग फेज में हम लोग एक्सपांशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो नो ऑर्डर्स, ओके ये लोग रिपेयर हो गए, और अब ट्रेड अब हाँ। सो देखो तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ ट्रेड रूट्स कैसे काम करते हैं। सो ट्रेड रूट्स तुम्हारे जितने भी ट्रेड हब्स हैं सिस्टम में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अगर नहीं है तो तुम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, कैसे करना है मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। सो ये रहे हमारे ट्रेड रूट्स, और ये उनसे कितनी वैल्यू हमें जनरेट होकर मिल रही है ये वो बताता है। सो कैस्टर ऑथर, कैस्टर कहाँ पे, ये रहा कैस्टर। सो आर्कडार्ट से कैस्टर तक आने वाला जो ट्रेड रूट है उसमें ये जो सिंबल है वो पायरेसी का है। सो जितनी पायरेसी होगी उतनी तुम्हारी ट्रेड वैल्यू कम होगी। सो करंट पायरेसी तो 0 है पर हो सकता है ये बढ़ेगी जैसे जैसे हमारे सिस्टम बढ़ते जाते हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि अपने ट्रेड रूट के लिए एक पेट्रोल सेट कर दूँ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, सो ये रही हमारी टास्क फोर्स, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पे डाल दूंगा। सो बेसिकली ये करेगा एक ही जितनी भी पायरेसी है उसे कम कर देगा, और जितनी पायरेसी है वो कैसे कम करेगा उसकी पायरेसी वैल्यू यहाँ पे आती है। सो इसकी पायरेसी वैल्यू आएगा 60 है, 60 या 80। सो 80 पायरेसी लेवल कम करता है। ओके न्यू कॉन्टैक्ट, वी हैव रिसीव्ड अ कम्युनिके फ्रॉम अ प्रीवियसली अननोन स्पेसफेयरिंग एम्पायर न्यू एलियन नेबर, दे कॉल देमसेल्व्स कॉनिस्थियन एनलाइटेंड किंगडम, दे क्लेम टू हैव लर्न्ड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ओके ओके इंटरेस्टिंग। सो ये रहा वो लोग नए एलियन नेबर, सो आई गेस अथॉरिटेरियन और फैनेटिक मटेरियलिस्ट। ओके रिसर्च स्पीड प्लस 10%। सही आई स्पीक बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ द कॉनिस्थियन एनलाइटेंड किंगडम एंड आई हैव been authorized to bring you greetings as long as you stay out of our internal affairs and treat our great leader High Queen Tak and Grove with reverence. I see no reason for our diplomatic relations to soar. Sai, we share the same divine heritage. Okay, unke paas ek strategic resource hai,
कौन सी है, ये रो है उनके पास, ये यहाँ पे है। और गैलेक्सी इतनी बड़ी है, सो बहुत सारे सिस्टम से वही क्या है, तो बाद में देखेंगे। हमारा साइंस शिप पहुँच गया है, और जैसे टाइम्ड नहीं है, और टाइम्ड प्रोजेक्ट नहीं है ये। इनकमिंग ट्रांसमिशन, ये नाइस, नॉन एग्रेसिव टैंक, बहुत से सो फॉर्म अ नॉन एग्रेशन पैक्ट विद इंडिपेंडेंट काउंटर अलायंस एक्सेप्ट। हमारा साइंस शिप ये रहा, सो आई गेस हो सकता है हम लोगों ने उनके स्पेस स्टेशन को बचाया था स्टार बेस को, इसलिए उन लोगों ने ये सब किया है। सो यहाँ का एटीट्यूड बहुत जल्दी शिफ्ट हो गया। और ये रहा रिसर्च, आई गेस हम लोगों को कुछ टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि उनके शिप में बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब सच में बैटल शिप लेके आया, वो भी स्टार्टिंग के गेम में, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, पर उनकी पावर इतनी नहीं थी। सो आई गेस बेसिक इन बेसिक टेक्नोलॉजीज के पॉइंट्स मिलेंगे हम लोग को। सो इशवे टू पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, सो हमारे रिसर्च स्टेशन बन गए और रिसर्च कंप्लीट। अनलॉक्स ऑटोमेटिक एक्सप्लोरेशन के, सो नई रिसर्च, ब्लू लेजर्स, इम्प्रूव डिफ्लेक्टर्स, कैपेसिटी सब्सिडी, ये जो है तुम्हारी रिकवरी एफर्ट्स कम्प्लीटेड आफ्टर सिटिंग थ्रू द डेब्रीज लेफ्ट बाय द स्ट्रेंज कल्टिस्ट वॉरशिप वी डिस्ट्रॉयड। साइंटिस्ट बिलीव दे मे हैव डिवाइंड द सोर्स ऑफ द शिप्स, द फाइनल क्रूसिबल हैज बीन थ्रोइंग अगेंस्ट अस। Fragments from a log file mention some kind of abandoned alien shipyard discovered by the cultist ships. Leading authors, hey, they have been using the automated shipyard to reinforce the numbers, and now they are even producing new ships from the alien templates found within the station's memory bank. This cannot be allowed. Say. हम लोगों को ये स्टेशन लेना पड़ेगा. Okay, that shipyard must be destroyed. अगर ले सकते तो बहुत ही अच्छी बात है. I guess situation log update. कहाँ पे ट्रैक ऑन मैप के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है, सो आई गेस साइंस शिप भेज सकते हैं हम लोग। सो वहाँ पे जाके साइंस शिप करेगा, ओके। सो लीडर हैज गेन्ड लेवल साइंटिस्ट के, आई गेस थर्ड लेवल पे और सेकंड लेवल पे, सही के। हमारी एक रिसर्च बाकी है, ब्लू लेजर, इम्प्रूव रिफ्लेक्टर्स, रिसर्च स्पीड, कैपेसिटी सब्सिडीज। मैं सोच रहा हूँ ब्लू लेजर्स, क्योंकि हमारे फ्लीट को हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो ब्लू लेजर्स के, हमारे प्लैनेट्स क्या है बोल रहे हैं, ओके माइनस वन हाउसिंग, सिटी डिस्ट्रिक्ट बना देते क्योंकि उससे हाउसिंग प्लस हो जाती है, प्लस एट होती है एक्चुअली, आई गेस नहीं प्लस फाइव, ओके। यहाँ पे दो लोग अनएम्प्लॉयड है, जनरेटर डिस्ट्रिक्ट, हाँ इन लोगों के पास नहीं है। सो फूड और जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करनी पड़ेगी, जैसे हाउसिंग भी प्रोवाइड करता है, ओके प्लस टू हाउसिंग, सॉरी के गाइस। मैं सोच रहा हूँ आज यहाँ पे बंद करते हैं। सो हम लोग को कल्टिस्ट शिपयार्ड भी डिस्ट्रॉय करना है, बाकी तो सब सही चल रहा है। और आई गेस टिस्ट्रा और एनमार्स को हम लोग को अंडर लेना है, और बाकी के जो भी सिस्टम बचे हुए हमारे बाउंड्री में उनको भी हम लोग को आउटपोस्ट बना के अपने सिस्टम के अंडर लेना है। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गाइस। अगर तुम लोग को पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बताओ, उन लोगों को बुलाओ, और कम्युनिटी बिल्ड करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। सो बाय।